हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक अपडेट आपको देने वाले हैं जो कि आईटीआई स्टूडेंट रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर एक बड़ी अपडेट है देखिए गाइस ग्रुप डी में 20 परसेंट का कोटा आपको मिल रहा है ये तो आपको पता है नेक्स्ट क्या किया है रेलवे ने एक ऑफिशियल अपडेट किया है कि ट्वेंटी कोटा के साथ साथ जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे उसको पीए में छूट मिलेगी यानी कि उसकी पीएडी होगा ही नहीं देन आने वाली ग्रुप डी वैकेंसी जो भी होगी ओनली फॉर अप्रेंटिसिप और आई वालों के लिए ही एलिजिबल होगी टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस को लेकर हालांकि आपको पता है कि रेलवे सदर में एक ऑफिशियल अपडेट की गई थी फरवरी मंथ में कि यहाँ पर बता रहा है ग्रुप सी वैकेंसी ट्वेंटी परसेंट कोटा को लेकर अप्रेंटिसिप को क्या यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस हम डिटेल में चर्चा करने वाले क्यों ये महत्वपूर्ण है या फिर क्यों बच्चे कमेंट कर रहे हैं जितना हवा समझ रहा है एक्चुअली है क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता रहा हूं लेकिन मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना सिर्फ बता रहा हूं आप सबको अभी रेलवे से जब भी अप्रेंटिसशिप निकले ज़रूर करना क्योंकि गवर्नमेंट अभी फॉर्म में है याद रखना और ये गवर्नमेंट कुछ काम तभी करती है जब फॉर्म में आती है सो प्लीज़ आइडिया वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर रही है तो आप सब इसका फ़ायदा उठाओ क्या करो रेलवे से अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना जब भी निकले ओके हाल ही में डी से निकाली गई है तो आप जाकर वहां से कर सकते हैं अब चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे करें सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे तो ये अपडेट जो पब्लिश की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सदर्न रेलवे जो आपका चेन्नई है सदर्न रेलवे यहाँ से नोटिफिकेशन अपडेट की गई है नोटिफिकेशन जो निकाली गई आपकी 16 फरवरी 2022 के तर्ज पे यहाँ पर निकाली गई एक आउटरीच कैंप लगा था फॉर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जितने भी सदर्न रीजन में अलग अलग रीजन में अप्रेंटिसशिप किए उनके रिगार्डिंग एक कैंप लगा था जिसको कि हम नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे हिंदी में भी रीड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन अपडेट में दे दूंगा लेकिन मेरी बातों का यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आर आर टेक्नीशियन में क्या ट्वेंटी का रिजर्वेशन मिलने वाला है किस प्रकार की एलिजिबिलिटी होने वाली है क्या ऑथेंटिक अपडेट है ये क्यों इतना बच्चे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में ये Higher official of Southern Railway received the uh, representation of Act. अप्रेंटिसिप एंड देन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रूल्स इन फोर्स मतलब जितने भी एक्ट अप्रेंटिसिप स्टूडेंट थे वहां पर एक आउटरीच कैंप लगा था जिसके कारण काफी सारे रिप्रेजेंटेशन इसको मिला है आ, या फिर अपेयर थे वो भी यहाँ पर गए थे नेक्स्ट यहाँ फिर बताया जा रहा है सदन रेलवे इन कोऑर्डिनेशन विद आर आर बी या फिर चेन्नई एन आर आर बी तिरुवनंतपुरम हैज बिन कंडक्टिंग आउटरीच कैम्प फॉर आर आर बी कैंडिडेट एंड कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अप्रेंटिसिप तो इस तरह से कैंप लगा था जितने भी एक्ट अप्रेंटिस लीडरशिप कैंप है द आउटरीच कैंप अमिटेड एट रिड्रेसिंग दी ग्रीवेंसेस एंड कॉन्सन जॉब एज फ्रेंड्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय सीनियर डिविजनल प्रोफेशनल ऑफिसर इन ऑल द सिक्स डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवे तो सदर्न रेलवे में जो भी सिक्स डिवीजन है उन सारे सिक्स डिवीजन के जो ऑफिसर्स हैं यानी कि डिविजनल प्रोफेशनल ऑफिसर जो है पर्सनल वो यहाँ पर आउटरीच कैंपस में यहाँ पर आए गए थे जिनके द्वारा यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसिप हु हैड कम्प्लीटेड देयर अप्रेंटिसिप इन वर्कशॉप ऑफ सदर्न रेलवे सर साइज दी गोल्डन गोल्डन रॉक वर्कशॉप हो गया या फिर पैरामबूर कैरेज वैगन वर्कशॉप हो गया पैराम्बर लोको वर्कशॉप हो गया है एंड अदर फील्ड में जो भी इनके यूनिट्स हैं सदर्न रेलवे में आ, या फिर मेड प्रोफेशनल ब्रांचेज ऑफिसर ऑफ आफ सदर्न रेलवे टुडे श्री एस एन क्या है क्रूपान्ना स्वामी घर के है चीफ पर्सनल ऑफिसर इंडस्ट्रियल रिलेशन में है एंड श्री ए नारायणा चीफ प्रोफेशनल ऑफिसर जो कि एडमिन द रिप्रेजेंटेशन एंड क्लेरिफाइड दे मे अबाउट दी एग्जिटिंग रूल्स इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे तो ये सारे जो चीफ ऑफिसर हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो आउटरीच कैंप लगा था और एक्ट अप्रेंटिसशिप के जितने भी बंदे ये सारे सिक्स यूनिट से किए हुए थे वो सारे जो पास आउट थे इनका यहाँ पर जो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन दिया गया आ, यही दिया गया है कि ट्वेंटी परसेंट का रिजर्वेशन जो है हमें रेलवे से ग्रुप डी से जो हमें मिल रहा है चलिए रेलवे परमानेंट जॉब्स नहीं कर रही है लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ग्रुप डी में जिस प्रकार हमको ट्वेंटी परसेंट का रिजर्वेशन दे बिल्कुल उसी परसेंट बिल्कुल उसी परसेंटेज यानी ट्वेंटी परसेंट का कोटा हमें ग्रुप सी वैकेंसीज में मिलना चाहिए यही सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कहना था तो इन सारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर इनके ग्रीवेंस को यहाँ पर जो कैचअप में लिया है देखिए गाइस लाइफ में कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कहीं पर भी बैठक हो रही हो मीटिंग हो रही हो या फिर इस तरह के कोई कैंप लग रहा हो जहाँ ऑल अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है आप अप्रेंटिसिप किए हैं नहीं किए हैं लेकिन सभी जाके पहुंचना क्योंकि जो भी होगा वो आपके लिए होगा आई वालों के लिए होगा तो यूनिटी आप दिखाओगे ना तभी इस तरह के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा आज जो ट्वेंटी परसेंट का रेजुएसन ग्रुप डी में मिला है या फिर आपको पी वगैरह हटाइए सिर्फ यूनिटी की वजह से मिला है काफ़ी सारे आपको पता भी नहीं होगा स्टूडेंट बिहार झारखंड महाराष्ट्र जाकर जो दिल्ली में यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं या फिर पटना में प्रोटेस्ट हुआ है लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है तो इस तरह से कोई आसानी से चीज़ नहीं मिली है काफ़ी लंबी प्रोटेस्ट के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें भी कहीं पर भी होती है सो प्लीज़ ज़रूर जाना मेरी ऑल रिक्वेस्ट होगी अप्रेंटिस के रिगार्डिंग क्योंकि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आई वालों को काफ़ी सारा बेनिफिट्स देने की प्रोवाइड करता हूँ जो भी मेरे से हो सकता है सो प्लीज़ यही रिक्वेस्टेड होगी कहीं पर भी इस तरह से हो तो ज़रूर जाए का आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा आपके करियर के लिए बेनिफिट्स होगा नहीं तो यूं ही आप कमेंट करते रह जाओगे कि अप्रेंटिसिप जो करते हैं उसके कुछ नहीं मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ आपको भी तो करनी होगी हर चीज सरकार तो नहीं कर सकती है ना अब यहीं पर बताया गया है कि ऑफिसर यहां पर देख सकते हैं जो ग्रीवेंस इन्होंने लिया द एक्ट अप्रेंटिसिप वेयर अपेयर रिगार्डिंग द प्रिफरेंस गिवेन फोर कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इवन फेलिंग अप ट्वेंटी परसेंट ऑफ वैकेंसीज इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट थ्रू आर आर बी या फिर आर आर सी यानी इनका ऑफिसर का सीधी सीधी बात यहाँ कहना है बात तो सही है अगर जो एक्ट अप्रेंटिसिप किया है उनको ट्वेंटी परसेंट का रिजर्वेशन है उसको तो मिलनी चाहिए यहाँ पर और ट्वेंटी परसेंट का रिजर्वेशन सिर्फ ग्रुप डी में नहीं मिलना चाहिए ग्रुप सी में भी मिलना चाहिए अब ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट आती है बहुत ही सारी पोस्ट आती है, है आपका पी एंड टेक्निशियन अगर ये चीज यहाँ पर लागू ऑफिशियली हो जाती है तो आप सबके लिए वेरी, वेरी वेरी गुड न्यूज होगी आप सोचो ए में आपका चालीस नंबर में सिलेक्शन लोको पायलट अब बन रहे तो हो तो इससे ज्यादा बेनिफिट्स क्या होगी तो हालांकि को जितना अभी आप सीरियसली ले रहे हो उतना सीरियसली अभी लेना भी नहीं है क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल जब तक एक ग्रीवेंस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आ, एक्ट के रिगार्डिंग ये पब्लिश नहीं होती है तब तक ये चीजें लागू नहीं होगी यहाँ पर सिर्फ अपील किया गया है और रेलवे जो ऑफिसर्स हैं इन अपील को रेलवे जो स्टूडेंट द्वारा अपील की गई ये अपील को स्वीकार कर लिया जा गया। ये सदन रेलवे से ऑफिशियल अपडेट है तो ये सारी चीजें कुल मिला के यही है कि ये एक अपील की गई है अपील को स्वीकार कर लिया गया है अब यही कुछ सारे जोनों से आएगी तो अलग अलग जोन में जब भी बैठक हो तो इस तरह की आप भाग जरूर लें ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट ग्रुप सी आने वाले जो लोको पायलट में वो जल्द से जल्द आपको मिल सके हालांकि कुछ ना कुछ अच्छा तो होने वाला है इतना एक ग्रीन लाइन आप इससे समझ सकते हो बाकी बात इस नोटिफिकेशन का सिर्फ यही मतलब निकलता है कि अपील को स्वीकार कर लिया गया ट्वेंटी परसेंट रिजर्वेशन अभी कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगी ग्रुप डी में फिक्स है इतना पता है ग्रुप सी में फिक्स है ये चीजें सिर्फ अपील की गई है इसको कभी भी लीगली मत लें यहाँ पर जब तक ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा एक्ट के रूप में ना ही लागू हो जाती है ओके तो यह बस यही अपडेट देना था फिलहाल आप सब रेडी रहें प्रिपेशन करते रहें क्योंकि अच्छी वैकेंसी एल टेक्नीशियन की भी आने वाली है काफी सारी यहाँ पर लिंक जो है आपको मिल रहे हैं आने वाले कुछ दिन में ग्रुप डी और एनडीपीसी की भी एग्जाम से अपने फॉर्म फिल किए तो उसकी तैयारी कीजिए आप तो बस और कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि लोको पायलट में ट्वेंटी परसेंट का रजिस्ट्रेशन मिले सारे कमेंट करके मुझे बताओ ओके फिलहाल चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद